फिल्म में हम अक्सर एक ऐसा पुलिस अफसर देखते हैं जिसे किसी का डर नहीं होता। वो अपना ईमान धर्म सब एक तरफ रखकर बस ड्यूटी करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पुलिस अफसर से कोई सबसे ज्यादा खौफ खाता है तो वो होता है अंडरवर्ल्ड। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर फिल्मी पर्दे से उतरकर कोई शख्स असल जिंदगी में ऐसा हो तो? दरअसल ये कहानी है मुंबई पुलिस के एनकाउंटर कॉप प्रदीप शर्मा की। नब्बे के दशक में अगर अंडरवर्ल्ड किसी एक अफसर से सबसे ज्यादा खौफ खाता था तो वो थे प्रदीप शर्मा। 9 साल पहले 2008 में उन्हें छोटा राजन के खास लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर में नाम आने से सेवा से निकाल दिया गया था। लेकिन 9 साल बाद प्रदीप शर्मा की मुंबई पुलिस में फिर से वापसी हुई और वो भी धमाकेदार तरीके से। प्रदीप ने एक महीने के भीतर ही देश के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को जबरन वसूली के मामले में दबोच लिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने साल 1983 में बतौर सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस ज्वाइन किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत माहिम पुलिस स्टेशन से की थी। इसके बाद इनका ट्रांसफर कुछ सालों के लिए स्पेशल ब्रांच में किया गया। प्रदीप शर्मा ने घाटकोपर जैसे बड़े पुलिस स्टेशन का चार्ज उस वक्त लिया जब घाटकोपर थाने का चार्ज लेने से हर पुलिस वाला घबराता था। प्रदीप शर्मा के आने के बाद से अपराधियों ने उस इलाके से किनारा कर लिया। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड शर्मा के नाम से ही खौफ खाता था। उनके खौफ से कई बदमाश मुंबई छोड़कर भाग गए थे। उस दौर में तत्कालीन गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने गैंगस्टरों का सफाया करने के आदेश दिए। मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा भी गैंगस्टर का सफाया करने के लिए बनाई गई स्पेशल सेल का भी हिस्सा रह चुके हैं। प्रदीप शर्मा अब तक 113 एनकाउंटर कर चुके हैं। शर्मा खतरनाक गैंगस्टर विनोद मातकर को मारकर पहली बार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से सुर्खियों में आए थे। साजिश रचने वाले लश्कर तैयबा के भी 3 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार चुके हैं। फिल्म अब तक 56 में नाना पाटेकर का किरदार भी प्रदीप शर्मा से ही प्रेरित था।